Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. हम तीन लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए हैं। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है, प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है?